तो भैया आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है लिक्विड मॉली परफॉर्मेंस पैक पे अभी। और सबसे पहले उसकी अनबॉक्सिंग देख लो कैसे क्या हुआ था। लिक्विड मॉली की पूरी परफॉर्मेंस किट मंगाई है मैंने R15 V2 के लिए अपने, और आज अभी जस्ट डिलीवर हुआ है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका पूरा देखते हैं इसमें क्या क्या, अभी मुझे खुद नहीं पता, 3-4 चीज़ तो होता है बट देखते हैं और क्या मिलता है, स्टिकर मिलता है या नहीं मिलता है। सो ये मैंने मंगाया है LRL मोटर से, जो सही टाइप काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, और देखते हैं खोल कर क्या क्या निकलता है। भैया ये रहा वो चीज़ जिसका इंतज़ार था। यस, लिक्विड मॉली का इंजन ऑयल तुम लोग देख सकते हो, 1527 रुपये। सो भैया ये कुछ था सामग्री, और मैंने वैसे आपको बता दिया, तो बात ये है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज किया बट 1000-2000 चलने के बाद, चाहे कैस्ट्रॉल अल्टीमेट हो चाहे हो मोटुल, लगभग 2-2.5 हज़ार तक सब अच्छा चल रहा, उसके बाद वो स्मूथनेस नहीं रह जा रही है किसी भी इंजन ऑयल में। तो इस बार हमने सोचा कि चलो भैया कुछ डिफरेंट करते हैं, जो इससे बेहतर इंजन ऑयल कुछ हो ही नहीं सकता है इंडिया में खासकर। और लिक्विड मॉली जो है जर्मनी की कंपनी है, जो कि वन ऑफ दी बेस्ट इंजन ऑयल पर बनाती है, और उसके साथ कुछ किट भी हैं जैसा कि आप लोगों ने उस अनबॉक्सिंग वीडियो में देखा होगा, तो वो सब पड़ेगी R15 V2 में। तो चलो शैलेश भाई क्या चलते हैं, और आज सर्विसिंग भी हो जाएगी बाइक की, प्रॉपर सर्विस होगी। बट फिर भी बता दूँ, प्रॉपर सर्विस तो होती है बट बहुत सारे पार्ट्स चेंज होने, लाइक क्लच प्लेट, ये सब चीज़ें, ब्रेक पैड, इस पैड, अभी मैं चल के आपको दिखाता हूँ क्या क्या चेंज हुआ है। और बाइक वही मेरे पास, वो बाइक वहीं पर है, कुछ काम हो चुका होगा मुझे पता है, अब वो जाके ही पता लगेगा क्या क्या हुआ है वहाँ पर। तो चलते हैं एंड मिलते हैं डायरेक्ट शैलेश भाई की शॉप पर। भैया देख लो, गाड़ी खुल चुकी है और पूरे तरीके से आगे पीछे हर तरफ से खुल चुका है, और एयर फिल्टर सब कुछ नया है। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्लच प्लेट है, ये क्लच प्लेट है, लिक्विड मॉली का पूरा परफॉर्मेंस पैक है, ऑयल फिल्टर, सब कुछ जितने भी चीज़ें चाहिए सब कुछ है। अभी एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, और कुछ चीज़ें लग चुकी हैं, लाइक इसमें नया डिस्क पैड, प्लास्टिक दिख रहा है ना, नया डिस्क पैड पड़ा है, ऑयल सील पड़ा है, एंड ओरिजिनल ऑयल पड़ा भी है फ्रंट शॉक का, यामाहा का। एंड जैसा कि मैंने बोला था कि मोटा खर्चा, तो सच में मोटा खर्चा हो रहा है भाई। तो सब कुछ जो है, सब कुछ जितने भी प्रोडक्ट इस बार यूज कर रहा हूँ सब ओरिजिनल है, क्योंकि तो मैं कहा था ना कि थोड़ा सा अब चाहिए, अब जो बॉडी अच्छी लग रही है तो साथ साथ परफॉर्मेंस भी अच्छा दिखना चाहिए। भैया यहाँ पे जो है नया एक्सीलेटर वायर भी लग रहा है, कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, और अभी पड़ेगा इंजन फ्लसर बाय लिक्विड मॉली। सबसे पहले इंजन में यही पड़ता है, इसको डालने के बाद 10 मिनट इंजन अपने वैसे ही कंडीशन में ऑन कर देना होता है। सब हो गया, अब 10 मिनट इसी कंडीशन में ऑन रहेगा, बिना रेप किए कुछ भी, अब 10 मिनट बाइक ऐसे ही चलती रहेगी। समय आ चुका है उल्टी करने का, 10 मिनट हो चुके हैं और अभी बाइक उल्टी करने वाली है। क्या काले काले तेल निकल रहे हैं, ऑयल फिल्टर एकदम कलूटा हो चुका है, और नया ऑयल फिल्टर भी पड़ेगा, सब कुछ नया पड़ेगा, लास्ट में बताऊंगा क्या क्या हुआ है। बट उल्टी हो रही है, बहुत अच्छे से उल्टी हो रही है, और इंजन फ्लसर ने देख रहे हो पूरा फैला दिया है, तो इंजन फ्लसर जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है भाई। एंड ये साला ब्राउनिश लग रहा है, ब्लैक से ज़्यादा ब्राउनिश लग रही है इंजन ऑयल। तो अभी क्या है कि जो इंजन फ्लसर पड़ा था वो पूरे अच्छे से इंजन में फैल चुका है, और जिसकी वजह से जितनी भी इंजन की गंदगी है वो भी निकल रही है, और साथ ही साथ वैसे तो इसलिए सब करना नहीं पड़ता है, खोलना नहीं ज़रूरी है, क्योंकि क्लच प्लेट मुझे डलवाना है, इस वजह से इसको खोलना पड़ा। और अभी शैलेश बाबू अपना कुछ टिकड़म बैठाएंगे इस पर। क्लच प्लेट पड़ चुका है नया, और अभी पैकिंग फिर से हो रही है, तो जैसा कि तुम लोगों ने अभी देखा होगा,
बहुत भारी आवाज आ रही है ने? पैकिंग होगी अभी, क्या है ऑयल फिल्टर पड़ेगा, मोबिल पड़ेगा, जो कि मैं दिखाता हूँ अभी। रुक जा, उधर चला जाए, एक भी बूंद इधर उधर नहीं गिरेगा। लाल घोड़े का इंजन ऑयल से ये है, मैंने बता रखा है पहले ही, फिर भी बता दे रहा है MOS2 शूटर, जो कि इंजन को स्मूथ करता है काफी हद तक, फ्रिक्शन अच्छा करता है। तो इस इंजन ऑयल को डालने के बाद जो है ये पड़ेगा, जिससे इंजन की स्मूथनेस काफी हद तक अच्छी हो जाएगी। एंड सो भैया, इंजन ऑयल खत्म, मतलब इंजन में पड़ चुका है, और अभी MOS2 शूटर पड़ेगा, जो कि डायरेक्ट इंजन ऐसे ही पड़ जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इससे फ्रिक्शन जो है काफी अच्छा हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ हो चुकी है। देखो, बाइक पूरी प्रॉपर सर्विस हुई है, एक जगह रुकते हैं, और पहले मैं बता दूँ ये सेकेंड डे है, शाम हो गया था, तो सर्विसिंग अभी कई काम और हुए हैं वो मैं बताता हूँ रुक के कहीं पे, क्योंकि शैलेश भाई लेके चले गए थे गाड़ी, और मैं उनकी गाड़ी लेके चला गया था जॉब पे। तो जॉब से लौटा तो फिर पता चला कि सब कुछ काम हो चुका है, देन मुझे कहीं रुकना होगा। तो भाई, पूरी बाइक प्रॉपर तरीके वाली सर्विस हुई है, मतलब सर्विसिंग से बोले तो सर्विसिंग से भी ज़्यादा सर बहुत कुछ हुआ है। अभी देखो, इसमें पहला चीज़, सबसे पहला चीज़ जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, डिस्क में ऑयल और शॉकर सील पड़ा है दोनों ही शॉकर में, एंड नया डिस्क पैड पड़ा है, और साथ ही साथ ये मास्टर सिलेंडर में ऑयल भरा गया है, और ये जो ब्रेक लीवर है ये नया पड़ा है। एंड एक और चीज़ जो कि कल मैंने नहीं कवर किया था, वो है कि बैक वाले में भी आपका वो पड़ा है, क्या बोलते हैं, डिस्क पैड बैक टायर पे भी पड़ा है, एंड इसमें बैरिंग होती है, दोनों ही टायर में नई बैरिंग पड़ी है, और लिक्विड मोरी का पूरा परफॉर्मेंस किट पड़ा है, क्लच प्लेट पड़ा है। एंड हाँ, एक चीज़ जो मैंने भूल गया, अभी तुम लोगों ने देखा होगा कि बाइक की स्पीड आने लगी है, बिकॉज नया स्पीडोमीटर केबल भी पड़ा है, ये देखो। और ये सबसे, मतलब बोले तो बहुत महंगा हो गया, पहले तो 600-700 तक आता था, अभी 1420 रुपये का पड़ा। एंड और इसमें नया एक्सेलेटर वायर पड़ा है, जो कि कल वीडियो में तुम लोगों ने देखा होगा। एंड सच बताऊँ तो कॉस्टिंग मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कितना हुआ होगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ जोड़ा घटाया नहीं है। एंड लिक्विड मोली की बात करें तो एक चीज़ बचा हुआ है, वो है 40 एडिक्टिव शूटर, खोजने दो, यस दिस वन इज 40 एडिक्टिव शूटर। सो इसका काम क्या है, इसको आपको फ्यूल पंप में, सॉरी टैंक में डालना है, एटलीस्ट 5-10 लीटर पेट्रोल होना चाहिए, बट अभी गरीबी है तो एक भी पॉइंट पेट्रोल नहीं है। सो अभी पेट्रोल डलवाने के बाद इसको मैं डाल दूँगा, एंड आफ्टर 500 किलोमीटर इसका एक रिव्यू डालूँगा कि परफॉर्मेंस किट से क्या अपग्रेड हुआ, ठीक है। और खर्चे पानी मान के चलो मैं बता दूँ कि सामान ही मुझे अंदाज़ा है कि लगभग 4000 तकरीबन पड़ गया था, बाकी सर्विस भी कुछ लगाया अपनी तरफ से, तो अराउंड 5000 प्लस का खर्चा हुआ है, सिर्फ अंदरूनी खर्चा, जो कि आपको दिखेगा ही नहीं। और एक चीज़ की गाइस, ये था पार्ट पार्ट फोर था। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं जो R1M की बॉडी किट है वो पेंटिंग के दौरान में अभी पेंट हो रहा है, थोड़ा सा क्लिप आप देख लो, तो पेंटिंग के दौरान पे अभी वो, तो इंस्टॉलेशन और ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, कैसे क्या हुआ, क्या क्या करवाया गया, कैसे कैसे सब कुछ मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अगर आपके पास भी R15 V2 है, और अगर उसको नेक्स्ट लेवल मॉडिफिकेशन देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ।